अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा सीन है हालेजी लेक पे जाने का। तो मैंने कज़न से पूछा था तो उन्होंने भी हामी भरी और कहा कि ठीक है भाई, निकलते हैं। तो अभी सुबह के कुछ 10 बज रहे हैं और हम हालेजी लेक पे जाने के लिए निकले हुए हैं। और थोड़ा सा मौसम अच्छा है, रात को वेदर की कंडीशन प्रेडिक्शन देख ली थी तो उसके मुताबिक बादल आएंगे, शायद बारिश भी हो जाए शायद। तो हमने कहा कि अगर अच्छा मौसम होता है तो फिर निकल जाएंगे। तो बस ये कि अभी निकले हुए हैं, अब आगे आपको और भी अपडेट करते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी यहाँ से हम जाएंगे गारो, वहाँ पर हमने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करके फिर आगे इंशाल्लाह वहाँ से निकलेंगे। चलें जी, पेट्रोल भी डलवा दिया है, अब इंशाल्लाह रुकेंगे नाश्ते के लिए। बाइक को तो नाश्ता करवा दिया, खुद को नाश्ता करना बाकी है। और ये हम पहुंच चुके हैं सस्सी टूल प्लाजा, क्रॉस कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया हमने और यहाँ से अभी निकले हैं हालेजी लेक की तरफ। और हालेजी लेक जो है यहाँ से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर के रास्ते पे बता रहा है। ये हमारा बोर्ड आ गया हालेजी लेक का और यहाँ से जो है अभी हमें जाना है लेफ़्ट की तरफ। अभी यहाँ से 2.8 किलोमीटर के बाद जो है वो हमें राइट की तरफ जाना है। अच्छा जी, यहाँ से हालेजी लेक का जो नेशनल हाईवे पे हमने बोर्ड देखा था उसके बाद लेफ़्ट हैंड पे हम मुड़े, उसके बाद कहीं नहीं मुड़ना। कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक पुल के बाद एक राइट हैंड का टर्न आएगा, ये आप देख लें, ये वाला बोर्ड होगा, ये वाली जगह होगी। तो यहाँ से अभी हमें मुड़ना है राइट हैंड की तरफ, हालेजी लेक रिज़ॉर्ट देख रहे हैं, ये राइट साइड पर इंडिकेशन दिया हुआ है। तो अभी हमें जाना है यहाँ पर राइट साइड की तरफ।
अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? आगे और क्या क्या है वैसे? वैसे तो ये 18 किलोमीटर का राउंड है ना। ठीक है। और क्रोकोडाइल है, फोक है, और यहाँ पर क्या है? ये राउंड है, वहाँ कुछ नहीं, ये आश्रम है कुकिंग का। अच्छा, अच्छा जी, तो तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगा है हमें, और हम पहुंच चुके हैं हालेजी लेक, और थोड़ा सा पुरसकून जगह है। और यहाँ पर जैसे वो बंदा खड़ा हुआ है, वहाँ पर है क्रोकोडाइल्स वगैरह, और आई थिंक कोई मोर वगैरह है, तो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ का पहले आपको व्यू दिखा दें। ये इस जगह पर जो है वो डक्स हैं, और ये एरिया है हालेजी लेक का। ये पूरा अभी हमने एक बंदे से जो पूछा था, आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 18-18.5 किलोमीटर का एरिया है पूरा ये। तो लेक जो है वो 18-18.5 किलोमीटर के, मतलब रोड है पूरा 18-18.5 किलोमीटर का पूरा घूम के यहाँ पर वापस आना। तो अभी वहाँ का भी एक हल्का सा व्यू लेंगे, आगे पीछे जाएँगे। ज़रा चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी सी जगह देखी है, वहाँ पर कज़न्स बैठे हुए हैं। जगह बनाई है ये हैं थोड़े क्रोकोडाइल। हमने बोला चलें क्रोकोडाइल को देखते हुए जाएं, तो आए आपको बताते हैं कहाँ है क्रोकोडाइल। ये रहा यार तुम्हारा भाई, तुम जगह नहीं रहे, कैसे बंदे हो यार तुम? ऐसे भाई, ये रहे आपका मगरमच्छ, एक ये। नहीं 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 यार, अभी ऐसे ऐसा भी नहीं उठाना, वो सोए रहने दे, सोता हुआ अच्छा लग रहा है। वो क्या बोलते हैं, जंगल जंगल में मोर नाचे किसने देखा, वो कैसे वो ऊपर निकल के बैठ गया है। हमें यार बुरा मान गया यार, देखने आ गए। हाँ, जो कोई मारेगा उनको पता पाकिस्तानी हवा में मारेगी इसको। हाँ, एक गोर है नीचे, अबे होंगे इसके अंदर, ज्यादा ही होंगे। अंदर जाने के? हाँ, अंदर जाने कहाँ, अंदर ढूंढने के लिए? नहीं नहीं, अभी इतना भी शौक नहीं है देखने का। चलो भाई, यहीं से सीधा चलते हैं। अच्छा भाई, ये है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत पब्लिक तो आई हुई है पिकनिक मनाने के लिए, एज अ पिकनिक पॉइंट समझ के। हॉग डीर कहाँ पर है? हॉग डीर भाई, और ये मेरे ख्याल से इन्होंने मोटेल बनाया हुआ है। हाँ, ये रहा हालेजी मोटेल, ये मोटेल है भाई। अगर फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है, बिल्कुल लेक साइड व्यू है, और अच्छा बनाया हुआ है काफ़ी। और ये टोटल इन्होंने कहा है कि 18 किलोमीटर की जगह है, 18 किलोमीटर का पूरा आई थिंक रकबे पे फैला हुआ है हालेजी लेक। तो अब देखते हैं इसको आगे, और 18 किलोमीटर में और क्या क्या है आगे। अच्छा जी, आगे बिल्कुल कोई गुंजान इलाका है,
कुछ है भी नहीं, तो हमने बोला कि यहाँ पर जाने से अच्छा बेहतर है कि थोड़ा उस तरफ चलते हैं। तो उस तरफ में ये होगा कि थोड़ा सा उस तरफ लेक का व्यू भी देख लेंगे। यहाँ पर आने के लिए ना ड्रोन होना चाहिए। ड्रोन से ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, कैप्चर करने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल आपके पास होगा। अच्छा जी, तो हालेजी लेक से अभी हम लोग निकले हैं। तो हालेजी लेक पे कोई ख़ास कोई एक्टिविटी नहीं है करने की, जो एक्टिविटीज़ थी वो बता दी। तो अभी यहाँ हालेजी लेक से हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे, थोड़ा करीबी है ठट्टा में शाहजहाँ मस्जिद, तो वहाँ जाएंगे। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शाहजहाँ मस्जिद की वीडियो डालूँगा। तो इस व्लॉग के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए यहाँ से। इंशाल्लाह फिर शाहजहाँ मस्जिद के नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।